देखिए, आज मैं और मेरा मित्र जा रहे हैं IHBT पालमपुर, एक रिसर्च पोजीशन निकली है, उसका इंटरव्यू देने जा रहा है। तो IHBT पालमपुर जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये अपन आ जाएंगे, कहाँ पर? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, ये सामने देख रहे हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, इससे आना है। जस्ट इससे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद आप इधर सर्च करेंगे तो कोई बड़ा होटल तो नहीं दिखेगा। ये मेरा मित्र है, इनको भूख लगी थी तो हमने क्या किया, हमने एक होटल ढूंढने का ट्राई किया कि जहाँ हम अच्छे से बैठकर खा सके। हमारे पास घेवर भी रखा हुआ था, मगर घेवर भी रखा था मगर हमको इतना अच्छा होटल नहीं मिला। इधर साइड में एक हमको टपरा जैसा कोई होटल मिल गया जहाँ पर हमने बैठकर खाया है। ये आप मेट्रो स्टेशन जस्ट उतरेंगे, सामने ही आपको दिखेगा ISBT बस स्टैंड कश्मीरी गेट। देखिए, ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर आपको दिख जाएगा ISBT बस स्टैंड कश्मीरी गेट दिल्ली। यहाँ से आपको पालमपुर की बस पकड़नी है। अब हम आपको दिखाएंगे, हमें पालमपुर की बस मिलने वाली है, एक पेट्रोल पंप के बाहर बस खड़ी है, उसमें हम जाने वाले हैं। मेट्रो स्टेशन से हम दोनों बाहर निकल के लेफ्ट लिए हैं। लेफ्ट लेने के बाद एक HP पेट्रोल पंप पड़ा है, इसी HP पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे पड़ेगा भारत पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर हमारी बस खड़ी हुई है। यदि सुसु लगता है तो यहाँ कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें अपन टॉयलेट भी कर सकते हैं आराम से। सुसु घर है यहाँ पर, जैसा कि मेरा मित्र ने बताया है अभी। देखिए, जैसे ही बस देखा मेरे मित्र के चेहरे पर एकदम खुशी आ गई, क्योंकि हम 250 मीटर पैदल चल के आ रहे हैं 250 मीटर से, ये हमको बस दिख गया है। पैसे तो बस ISBT से मिल जाता, मगर हमने क्या किया, मेक माई ट्रिप से बुक किया है, तो मेक माई ट्रिप ने शायद यहाँ पर उसका स्टेशन बना रखा हो, उधर नहीं बना रखा हो, इसलिए नहीं मिला हमें। अब बिल्कुल बस के पास पहुँच गए हम। अब हाँ, ये मेरा दोस्त टिकट दिखाएगा, टिकट दिखा के हम एंट्री लेंगे। यही हमारा टिकट वेरीफाई हो गया है, अब अंदर बस में चढ़ गए। हम थक चुके हैं मगर बस में ऐसे ये तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये मेरा मित्र सीट ढूंढ रहा है, ये हम लोगों की सीट है। हाँ, बैग हम केबिन में रखेंगे। ये हेमंत सर पहले विंडो सीट संभालते हुआ, ये हिमाचल के नज़ारे तो नहीं देख पाएगा, कितना ही कुछ खुश हो रहा हो, नज़ारे तो नहीं देख पाएगा, रात रात में पहुंच जाएंगे, फिर भी ये खुश हो रहा है। इस बस में बैठ के बिल्कुल आराम से इजीली मेक माई ट्रिप पे मिल जाएगा, कहीं भी देख लेंगे, ऑनलाइन देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये बस मिल जाएगा। आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। ये बस चल चुकी है, वैसे बस में ऐसी चल रहा है, काफ़ी अच्छी बस है, पूरी बस ठंडी हो गई है। और ये ISBT कश्मीरी गेट से यहाँ से निकल दी है, काफ़ी अच्छी बस है। इसमें चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है, ये दो शायद आपको नहीं दिख पाए, मगर मेरे को दिख रहा है चार्जिंग पोर्ट, मान भी चार्ज कर सकते हैं। तो व्यू भी अच्छा दिख रहा है, एकदम कांच बिल्कुल बड़ा सा है इसका मिरर, मतलब विंडो सीट ना लेते हुए भी मेरे को विंडो के बाहर दिख रहा है। ये मेरा मित्र खुश हो रहा था कि इसको विंडो सीट पर देखने को मिलेगा, मगर मेरे को भी अच्छा देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस गाज़ियाबाद ऑफिस, ठीक है, यहाँ से चल दी है, अपडेट मिलते रहेगा आपको, कैसा टूर रहेगा हमारा IHBT पालमपुर का पूरे, हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। कूल बस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, चल दी है हम। तो आज हमारा रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन पे हम के त्यौहार होते हुए भी हम जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो क्या है, मेरा फ्रेंड है, घर पर नहीं जा पाया है तो इसकी मैं राखी बांध रहा हूँ, इनकी दीदी का कॉल आया हुआ है, अब मैं इनको राखी बांधने वाला हूँ। मैंने इनको राखी बांध दी है, अब मैं मुंह मीठा कराने वाला हूँ। इनके सिस्टर की हमने एक राखी बांध दी है, अब और सिस्टर को कॉल करेंगे और वीडियो कॉल पे। अभी देखना भी, इनके हाथ में एक राखी है और भी राखी बनने वाली है। ऑनलाइन रक्षाबंधन, पैसे सेंड पहले कर चुके हैं। हमें बस में 30 मिनट का टाइम मिला गया है डिनर करने के लिए। ये बस कोई ढाबे पे रुकी हुई है, शिव ढाबा करके है, यहाँ पे आराम से अपन डिनर कर सकते हैं। ठीक से यदि 30 मिनट में फ्री होने जाना हो तो फ्री भी हो सकते हैं आराम से। मामा यादव शिव ढाबा करके,
हमसे ढाबा होटल तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। अब हम दोनों फ्री हो गए थे इसलिए हम नहीं जा रहे हैं बस से उतर के, ये नींद में जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त। बाय, गुड नाइट। ठीक, आगे की अपडेट मिलती रहेगी। बनने लगा ढाबा काफ़ी अच्छा है, एकदम बिंदास सा। हमने अंदर जाके देखा, बहुत प्यारा ढाबा निकला। उसके बाद हमने अंदर देखा कि चाय में तो वेटिंग था लगभग 10-15 मिनट का, तो हमारा इतना टाइम हो जाता तो हम नहीं गए। हम इसके बाहर एक शॉप पर आए जो पान का शॉप था। भैया बहुत अच्छे भैया है, हमने 5 रुपये के इनसे हाजमोले लिया, इन्होंने हमें 5 का 6 हाजमोले दिए। हेमंत रखिए भैया, आपका नाम बताएंगे? तमन भैया, स्माइल काफ़ी प्यारी है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू भैया हमें 6 हाजमोले ऑफर करने के लिए, थैंक यू सो मच भैया। हम लोग पहुंच गए कांगड़ा। ये मेरा दोस्त थक गया, ठीक से नींद नहीं आई, 2 बार वोमिटिंग कर ली। पहुंच गए बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बिंदास। पानी तो नहीं दिख रही है, जस्ट अभी हम इस बस से उतरे हैं। ये बस उधर की तरफ चलेगी, इससे थोड़ा सा आगे लगभग आधा किलोमीटर दूर IHBT पालमपुर है। आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो, मस्त एकदम पहाड़ दिख रहा है। कैमरे इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मगर जो रियल व्यू दिख रहा है एकदम इतना प्यारा दिख रहा है, बहुत अच्छा सा ये एकदम क्लियर कट। अब हम हमारी होटल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमने होटल बुक किया है उधर की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जैसा भी अपडेट मिलता रहेगा। एकदम कूल, मैं इस पहाड़ को बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि लास्ट टाइम आया था मुझे दूर से दिखने लगा था, क्योंकि उस टाइम मैं सर्दियों के टाइम पे आया था जिससे बर्फ़ जमी हुई थी, तो थोड़ी भी धूप लगने पे बहुत तेज़ चमक रहा था। अभी इतना ज़्यादा चमक नहीं रहा है। करने के बाद फिर हमने एक होटल देखने का ट्राई किया, हमें अच्छा होटल नहीं मिला। हम दोनों भाई थक गए, थकने के बाद क्या करने लगे, हम ये चाट खाने लगे। अब मैं और मेरा मित्र चाट खाएगा, उसके आगे की अपडेट देगा कि हम कौन सी होटल में जाने वाले हैं। पेटीएम पे सर्च कर रहा है। यहाँ एक पास में होटल थी IHBT के ही जस्ट पास में, अंबिका होटल, उसमें हमें 1300 रुपये का एक रूम मिला है, वो हम रूम ले लिए। ये मेरा फ्रेंड रूम में इंटर कर रहा है, देखेंगे रूम कैसा है। गलत रूम खोल दिया, खुला हुआ पहले से ही था वो, एक बार चाबी लगा के वो नीचे कर दिया। ये 203 हमारा रूम। ये रूम है मस्त,
बंद है, ये इसका लेट बाथ है, टीवी है, वाईफाई है, सब है, अच्छे रूम में कोई दिक्कत नहीं। दरअसल में अब हम रेस्ट करेंगे एक आध घंटे, फिर उसके बाद कहीं घूमने निकलेंगे।